सलैया में रोजा अफ्तारी का आयोजन किया। इस अफ्तारी में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम समेत कई जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने शिरकत की। रोजेदारों ने देश में अमन और शांति की दुआ की। इबादत का महीना कहलाता है, श्रद्धा और भक्ति का महीना कहलाता है। पूरे एक महीने रोजा रखने के बाद और सबकी सलामती के लिए रोजा रखना, वो पूरे एक महीने के बाद फिर ईद मनाई जाती है। स्वाभाविक रूप से जो इबादत करते हैं उनकी सेवा करना और सवाब का काम होता है। एक पुण्य लंबे समय से हमारे परिवार के हिस्से में आ रहा है, एक परंपरा सी बन गई है। स्वर्गीय पिताजी के समय से उनने ये शुरुआत की थी, आज लगभग 28-29 साल हो गए ये परंपरा का निर्वहन करते। रोजदारों की जो इबादत करते हैं उनकी सेवा करना, और इस उद्देश्य से कि इंसानियत, भाईचारा, एकता और मानवता की सेवा के लिए इनकी इबादत होती है। निश्चित रूप से ऐसे रोजदार भी पूजनीय है, उनकी सेवा करके जादू टोने और तंत्र मंत्र